इस कहानी की शुरुआत में हमें सन 2029 का सीन दिखाया जाता है। लोगन अपनी कार में सो रहा था, तभी कुछ मेक्सिकन लोग उसकी कार का टायर चोरी करने की कोशिश करते हैं। लोगन की नींद खुल जाती है और वो कार से बाहर निकलता है। लोगन शराब के नशे में था। वो उन लोगों से कहता है कि गाड़ी तुम्हारे बाप की नहीं है, लेकिन तभी एक आदमी लोगन के ऊपर गोली चला देता है। लोगन घायल हो जाता है। पहले उसके घाव भर जाते थे, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था। अब उसके घाव भरने में टाइम लगता है। थोड़ी देर बाद लोगन उठ जाता है और उन लोगों से लड़ने लगता है, लेकिन उसके ब्लेड्स ठीक से बाहर नहीं आए थे और वो बहुत ही स्लो हो गया था। वो लोग लोगन को मारने लगते हैं। लोगन अपनी कार पर स्क्रैच नहीं आने देना चाहता था। कार को बचाने के लिए लोगन गोली भी खा लेता है। वो सभी लोग मिलकर लोगन को मारने लगते हैं। तभी लोगन गन वाले आदमी का हाथ काट देता है, लेकिन गन चल जाती है और कार पर डेंट पड़ जाता है। ये देखकर लोगन को बहुत गुस्सा आता है। अब सभी लोगों को जान से मार देता है। अब लोगन भी अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। वो एक होटल में अपने कपड़े बदलने के लिए रुका था। होटल के बाथरूम में लोगन अपनी बॉडी में लगी बुलेट से निकालता है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो दूसरे कपड़े पहनकर फिर से अपनी कार में आ जाता है। दरअसल वो एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन उसकी कार बहुत लग्जरी थी। वो पैसे कमाने के लिए टैक्सी चलाता था और कमाए हुए पैसों से चार्ल्स जेवियर के लिए दवाइयां लेकर जाता था। अब हम देखते हैं कि लोगन एक पैसेंजर को लेने के लिए कब्रिस्तान पर जाता है, जहां उसे एक औरत मिलती है। वो औरत लोगन को जानती थी। वो लोगन से उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लोगन उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। पैसेंजर को छोड़ने के बाद लोगन एक हॉस्पिटल से दवाइयां खरीदता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है। तभी एक आदमी जिसका नाम डोनाल्ड था, वो लोगन की कार में आकर बैठ जाता है। वो लोगन को लोगन नाम से बुलाता है। वो लोगन के पास आया था क्योंकि उस औरत गैब्रिएला को ढूंढ रहा था, जो लोगन को कब्रिस्तान में मिली थी। लोगन उसे कहता है कि मैं किसी ग्रेबियला को नहीं जानता। डोनाल्ड लोगन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बॉर्डर के पार मेक्सिको में चार्ल्स को छुपा रहे हो। चार्ल्स के बारे में सुनकर लोगन डोनाल्ड से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। डोनाल्ड लोगन से कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जैसे औरत तुम्हारे पास आए, तुम उसे मेरे हवाले कर दो। इसके बाद डोनाल्ड लोगन को अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। लोगन उसका कार्ड देखता है। डोनाल्ड एल्केलाइन ट्रांजिशन कंपनी का आदमी था। अब लोगन टेक्सास की बॉर्डर क्रॉस करके मेक्सिको आता है। वो रास्ते में फोन पर किसी बोट डीलर से बात करता है। वो कहता है कि मुझे अभी बोट चाहिए और मैं 45,000 अभी कैश देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डीलर नहीं मानता। वो 70,000 मांग रहा था। लोगन चाहता था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी बोट में समुद्र के बीच में बिताए। अब वो एक बंद पड़ी चाइनीज फैक्ट्री में जाता है, जहाँ कैलिबर और चार्ल्स जेवियर भी थे। चार्ल्स जेवियर अब बूढ़ा हो चुका था और उसे एक दिमागी बीमारी हो गई थी। उसे जानलेवा दौरा पड़ते थे, जिससे वो अपने आसपास के लोगों को मार सकता था। उसके दौरे की वजह से कई म्यूटेंट्स मारे जा चुके थे, इसीलिए लोगन ने चार्ल्स को सभी लोगों से दूर एक फैक्ट्री में बंद करके रखा था। लोगन उसे दवाइयां देता था जिससे चार्ल्स को दौरे ना आए। वहां उनके साथ एक और म्यूटेंट कैलिबेन भी रहता है, जिसके पास म्यूटेंट्स का पता लगाने की पावर्स थी, लेकिन वो धूप में नहीं निकल सकता था। उसके ऊपर धूप गिरते ही वो जलने लगता था। फैक्ट्री में कैलिबेन लोगन को बताता है कि चार्ल्स की हालत बहुत खराब है, उसे ये टेबलेट 6 घंटे पहले ही मिल जानी चाहिए थी। लेकिन लोगन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और चार्ल्स के पास उसे टेबलेट्स खिलाने जाता है। लोगन ने चार्ल्स को एक जमीन पर गिरी पानी की टंकी में बंद कर रखा था। चार्ल्स की दिमागी हालत बहुत खराब थी। लोगन उसे इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन चार्ल्स उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने व्हील चेयर से गिर जाता है। चार्ल्स को दौरा पड़ जाता है, जिससे वुल्वरिन और कैलिबेन की सांसें रुक जाती है। लेकिन लोगन धीरे धीरे चार्ल्स के पास आकर उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे चार्ल्स का दौरा रुक जाता है। लोगन की पार्ट्स की वजह से उसके ऊपर चार्ल्स के दौरे का कम असर होता था। लोगन चार्ल्स को उठाकर बेड पर सुलाता है और उसे टेबलेट्स देता है। इंजेक्शन लगने से चार्ल्स का दिमाग थोड़ा ठीक हो जाता है। चार्ल्स टेबलेट खा लेता है और लोगन से बातें करता है। वो लोगन को बताता है कि मुझे किसी नए म्यूटेंट की आर्ट हुई है, कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, उसे तुम्हारी जरूरत है। लोगन चार्ल्स की बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन चार्ल्स सच कह रहा था। लोगन चार्ल्स से कहता है कि 25 साल से कोई नया म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ है। लोगन चार्ल्स को वहीं बंद करके बाहर आ जाता है। अब लोगन अपने रूम में था, जहां वो अपने हाथ से ब्लेड से निकालता है, लेकिन एक ब्लेड पूरा बाहर नहीं आता। लोगन उसे खींचकर बाहर निकालता है। वो बहुत कमजोर हो गया था। अपने ब्लेड फिर से अंदर लेने के बाद उसके घाव नहीं भर रहे थे, इसीलिए हाथ पर कपड़ा लपेट लेता है और सो जाता है। सुबह जाकर लोगन अपने काम पर जा रहा था, तभी
केलिबेन उसे कहता है कि चार्ल्स के दौरे इतने कम डोज से नहीं रुकेंगे। लोगन कहता है कि मेरे पास इतनी दवाई के लिए पैसे थे। केलिबेन उसे कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आज के दौरे से मैं मरता मरता बचा हूँ। केलिबेन लोगन को एक एडमेंटियम बुलेट देकर कहता है कि मुझे तुम्हारी जेब से मिली है। लोगन उसे बुलेट छीन लेता है। केलिबेन कहता है कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बताते। तुम्हारे गाँव से बस निकल रहा है, तुम्हारे गाँव बढ़ नहीं रहे हैं, तुम दिन रात बस शराब पीते रहते हो। तभी लोगन को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। वो अपनी टैक्सी चला रहा था पैसेंजर्स को छोड़ने के बाद उसे एक पैसेंजर का मैसेज आता है। वो उन्हें लेने के लिए लिबर्टी होटल में जाता है जहाँ उसे एक लड़की बॉल से खेलती हुई दिखती है। वो अपनी कार को अंदर लेकर जाता है। तभी एक रूम में से ग्रेबीएला बाहर आती है। वो लोगन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे कहीं जाना है। लेकिन लोगन उसे देखकर उसे कहीं भी लेकर जाने से मना कर देता है। ग्रेबीएला लोगन से कहती है कि हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, हमें उनसे बचकर नॉर्थ डकोटा जाना है। मैं आपको इस काम के $50,000 दूंगी। तभी वो लड़की जिसका नाम लोरा था वो होटल की खिड़की का कांच तोड़ देती है। होटल की मालकिन बाहर आकर ग्रेबीएला से लड़ने लगती है। ग्रेबीएला उस औरत को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ग्रेबीएला नीचे गिर जाती है, उसके हाथ से खून निकल रहा था। लोगन उस औरत से कहता है कि तुम्हें कांच के पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर वो औरत अपने ऑफिस में चली जाती है। लोगन भी ग्रेबीएला को उठाकर उसके रूम में ले आता है। ग्रेबीएला लोगन से कहती है कि मैं मेक्सिको में एक नर्स थी, आज सुबह मैं उन लोगों से भाग रही थी तभी मुझे गोली लगी। लोगन वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रेबीएला एक टेबल में से $20,000 निकाल कर उसे देती है और कहती है कि हमें आज यहाँ से निकलना होगा, बाकी के पैसे मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ पहुँचा कर दे देंगे। वो लोगन को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मारकर लोरा को ले जाना चाहता है। लोगन ग्रेबीएला से लोरा की ओर इशारा करके पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी है। ग्रेबीएला हाँ कह देती है लेकिन वो झूठ बोल रही थी। अब लोगन उन्हें नॉर्थ डकोटा लेकर जाने के लिए मान जाता है लेकिन वो जाने से पहले अपने घर कुछ सामान लेकर आता है। वो चार्ल्स और केलिबेन को बताता है कि मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूँ, मुझे आने में टाइम लगेगा। अब लोगन होटल लिबर्टी में आता है लेकिन वहाँ ग्रेबीएला के रूम का गेट टूटा हुआ था। लोगन जब अंदर जाकर देखता है तो ग्रेबीएला मरी हुई थी, उसे गोली मार दी गई थी। लोगन उसकी टेबल में चेक करता है तो उसे ग्रेबीएला का फोन मिलता है। वो फोन को लेकर वहाँ से घर आ जाता है। लोगन गाड़ी से उतरकर अंदर चला जाता है। केलिबेन को गाड़ी की डिक्की खुली हुई दिखती है, इसीलिए वो गाड़ी के पास जाता है जहाँ उसे एक बॉल और एक बैग मिलता है। वो लोगन को बुलाकर सामान के बारे में पूछता है लेकिन लोगन को भी नहीं पता था दरअसल ये बैग लोरा का था। वो डिक्की में बैठकर लोगन के साथ आ गई थी। तभी डोनाल्ड वहाँ जाता है और वो लोगन से लोरा के बारे में पूछता है। लोगन उसे कहता है कि मेरे पास कोई लड़की नहीं है। डोनाल्ड लोगन से कहता है कि तुम होटल लिबर्टी गए थे। लोगन कहता है कि मुझे वहाँ कोई लड़की नहीं मिली, वहाँ बस एक औरत थी। डोनाल्ड लोगन से कहता है कि तुमने मुझे उस औरत के बारे में नहीं बताया। तभी लोरा एक पाइप फेंक कर डोनाल्ड के सर पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। लोरा लोगन पर भी पाइप फेंकती है लेकिन लोगन बच जाता है। तभी चार्ल्स वहाँ जाता है, वो लोरा को पहले से जानता था। वो केलिबेन को बुलाकर कहता है कि लोरा वही म्यूटेंट है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। चार्ल्स लोरा को लेकर अंदर चला जाता है। लोगन केलिबेन को डोनाल्ड की गन देकर उसे ठिकाने लगाने कहता है। केलिबेन डोनाल्ड को उसी की कार में डालकर ले जाता है। चार्ल्स लोगन से कहता है कि लोरा एक म्यूटेंट है जिसकी हमें मदद करनी होगी, लेकिन लोगन को चार्ल्स की बातों पर भरोसा नहीं होता। केलिबेन डोनाल्ड को रोड के पास फेंक देता है लेकिन डोनाल्ड को होश आ गया था और उसने अपनी आर्मी बुला ली थी। अब डोनाल्ड अपनी आर्मी के साथ लोगन के घर की तरफ आता है। लोगन उन्हें आता हुआ देख लेता है और चार्ल्स को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन डोनाल्ड उसे घेर लेता है। लोगन डोनाल्ड से पूछता है कि केलिबेन कहाँ है। डोनाल्ड कहता है कि उसी गड्ढे में है जिसमें वो मुझे फेंकने गया था। अब लोगन उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन डोनाल्ड के आदमी लोगन को पकड़ लेते हैं। डोनाल्ड कुछ लोगों को घर के अंदर लोरा को पकड़ने के लिए भेजता है लेकिन लोरा सभी को मार देती है और एक आदमी का कटा हुआ सर लेकर घर के बाहर आ जाती है। लोरा डोनाल्ड पर अटैक कर देती है और उसके आदमियों को अपने ब्लेड्स से मारने लगती है। लोगन लोरा के हाथों से ब्लेड्स निकालते हुए देखकर चौंक जाता है। लोरा फिर से घर में चली जाती है। जो लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं लोरा सभी को मारने लगती है। तभी डोनाल्ड हारपून से लोरा पर अटैक करता है जो लोरा की चेस्ट में घुस गया था। अब सभी लोरा को पकड़ लेते हैं। तभी लोगन वहाँ आता है और वो लोरा को बचाने की कोशिश करता है। लोरा भी उसे बचने के लिए उन्हें मारने लगती है। तभी दो आदमी लोरा के हाथ पकड़ लेते हैं लेकिन लोरा अपने पैर से ब्लेड
उसे निकाल लेती है और उन्हें मार देती है। कुछ लोग चार्ल्स के पास जा रहे थे, लोगन कार के पास आकर चार्ल्स को बचा लेता है और कार में बैठकर लोरा के पास चला जाता है। वो उसे भी कार में बिठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। डोनाल्ड भी उसके पीछे आता है, लेकिन लोगन कार को ट्रेन के आगे से दूसरी तरफ लेकर चला जाता है और डोनाल्ड से पीछा छुड़ा लेता है। लोगन लोरा से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन लोरा कोई जवाब नहीं देती। चार्ल्स लोगन से कहता है कि तुम जानते हो कि ये कौन है। दरअसल ये लोगन की ही किसी गर्लफ्रेंड की बेटी थी और लोगन ही लोरा का पिता था। अब हम डोनाल्ड को देखते हैं जो केलीबेन से ओरा का पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन केलीबेन उसे मना कर देता है। डोनाल्ड अपने ऊपर का टेंट हटा देता है जिससे केलीबेन के ऊपर धूप आ जाती है और उसकी स्किन जलने लगती है। केलीबेन उसका पता लगाने के लिए मान जाता है। लोगन गैब्रिएला के मोबाइल में एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रही थी कि उसने 10 सालों तक ट्रांसिजन कंपनी में काम किया है। इस कंपनी में म्यूटेंट के डीएनए से बहुत से म्यूटेंट बच्चों को पैदा किया गया था। वो बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, उनके साथ बस एक एक्सपेरिमेंट की चीज जैसा बर्ताव किया जाता था। वो उन्हें हथियार की तरह यूज करना चाहते थे, कंपनी किलर्स तैयार कर रही थी। लोगन और चार्ल्स वीडियो देख रहे थे तभी मोबाइल में बैटरी खत्म हो जाती है। चार्ल्स लोगन से कहता है कि तुम्हारी बेटी है, लेकिन लोगन ये मानने से इनकार कर देता है। चार्ल्स लोगन से टॉयलेट जाने के लिए कहता है, इसीलिए लोगन चार्ल्स को पास के एक शॉप में टॉयलेट करवाने के लिए गया था। तभी लोरा भी एक शॉप में चली जाती है और वहाँ से कुछ सामान लेकर बाहर आने लगती है, लेकिन शॉप का मालिक उसे रोक लेता है। लोरा उसे मारने लगती है, तभी लोगन वहाँ जाता है और लोरा को रोक लेता है। वो लोरा को अपने साथ ले जाता है और शॉप से एक मोबाइल चार्जर भी ले लेता है। लोगन मोबाइल चार्ज करके बची हुई वीडियो देखता है जिसमें ग्रेबियला बताती है कि कंपनी के लोग बच्चों को किलर्स बनाना चाहते थे, लेकिन बच्चे लड़ना नहीं चाहते थे, वो उनके ऑर्डर नहीं मान रहे थे, इसीलिए कंपनी X24 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और कुछ ऐसा बना रही है जो इन बच्चों से बेहतर है। कुछ दिनों बाद वो लोग सभी बच्चों को मारने लग गए। हम जितने बच्चों को बचा सकते थे हमने बचाए, ग्रेबियला कहती है कि मैंने सुना है नॉर्थ डकोटा में एक ईडन नाम की जगह है जहां म्यूटेंट के लिए एक खास जगह है। ग्रेबियला कहती है कि बाकी बच्चे मुझसे अलग हो गए थे, मेरे पास आपको देने के लिए और पैसे नहीं है। लोरा मेरी बच्ची नहीं है, आपकी बच्ची है, उसे सेफ जगह ले जाइए। अब लोगन कार को किसी सिटी में ले आता है। वो चार्ल्स से कहता है कि हम कुछ घंटे आराम करेंगे, एक नई गाड़ी लेंगे और फिर निकल जाएंगे। लोगन एक होटल के बाहर कार को रोकता है और सभी को होटल में लेकर जाता है। वो कुछ कपड़े खरीदते हैं और एक रूम में चले जाते हैं। लोगन लोरा को चार्ल्स की टेबलेट देता है और हर एक घंटे में 2 टेबलेट्स खिलाने के लिए कहता है। वो चार्ल्स और लोरा को रूम में छोड़कर बाहर निकल जाता है। लोगन अपनी पुरानी कार को भेज देता है और एक दूसरी पुरानी कार लेकर वापस होटल में आता है। होटल में उसे डोनाल्ड के आदमी दिखते हैं, वो उनसे बचकर अपने रूम में जा ही रहा था। तभी चार्ल्स को दौरा पड़ जाता है और होटल के सभी लोग अपनी जगह से नहीं हिल पाते। अब लोगन जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने की कोशिश करता है। उसके रूम में डोनाल्ड के आदमी घुस गए थे और उन्हीं से डरकर चार्ल्स को दौरा पड़ गया था। लोगन धीरे धीरे सभी लोगों को मार देता है और चार्ल्स को इंजेक्शन लगा देता है। चार्ल्स के दौरे से होटल के सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी। लोगन चार्ल्स और लोरा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लोगन हाईवे पर कार चला रहा था तभी कुछ ट्रक्स अपनी लेन से बाहर आ जाते हैं जिससे लोगन की कार रोड से नीचे उतर जाती है। लोगन की कार के साथ एक और कार का बैलेंस बिगड़ गया था। उसकी ट्रॉली में 4 घोड़े भी थे। अब वो चारों घोड़े बाहर आ गए थे और रोड पर भाग रहे थे। चार्ल्स अपनी पावर से उन घोड़ों को शांत करता है और ने फिर से ट्रॉली के पास बुला लेता है। दूसरी कार भी रोड से नीचे उतर गई थी। लोगन दूसरी कार को धक्का लगाने में मदद करता है। उस कार में विल और उसकी फैमिली थी। विल की वाइफ का नाम कैथरीन था। कैथरीन लोगन को उनके साथ डिनर करने के लिए कहती है। लोगन मना कर देता है, लेकिन तभी चार्ल्स उनके साथ डिनर के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद हम केलीबेन को देखते हैं जिससे डॉक्टर राइस कह रहा है कि तुम हमें लोरा की इन्फॉर्मेशन लेट दे रहे हो जिससे वो बच रहे हैं। केलीबेन उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है, लेकिन राइस केलीबेन से कहता है कि मुझे बस वो लड़की चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर केलीबेन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम विल के घर पर सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। वो सभी हंसी मजाक कर रहे थे। खाना खाने के बाद कैथरीन उन्हें सुबह तक रुक कर आराम करने के लिए कहती है। लोगन उन्हें मना कर देता है, लेकिन चार्ल्स नहीं मानता और जाने से मना कर देता है।
तभी विल कहता है कि उन्होंने फिर से पानी बंद कर दिया। दरअसल विल की जमीन खरीदने के लिए एक कंपनी कोशिश कर रही थी, लेकिन विल अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता था, इसलिए कंपनी के कुछ लोगों ने परेशान करने के लिए उनके घर का पानी बंद कर देते थे। लोगन और विल पानी को चालू करने के लिए केनवुड कंपनी की जगह में जाते हैं और ताले तोड़कर पानी को चालू कर देते हैं। तभी वहाँ कंपनी के लोग आ जाते हैं। वो विल को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगन उन लोगों के बॉस की गन छीनकर तोड़ देता है। वो सभी लोगन से डरकर भाग जाते हैं। लोगन और विल भी घर आने के लिए निकल जाते हैं। केलीबेन डॉक्टर राइस को बता देता है कि लोगन और लोरा कहाँ है। डॉक्टर राइस अपने प्रोजेक्ट X-24 को विल के घर भेज देता है। चार्ल्स X-24 को लोगन समझकर उससे बात करता है, लेकिन वो चार्ल्स की चेस्ट में अपने ब्लेड्स घुसा देता है। तभी लोरा X-24 पर अटैक कर देती है। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर वहाँ विल का बेटा नेड आ जाता है। नेड X-24 को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन X-24 नेड को मार देता है और लोरा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कैथरीन भी वहाँ गन लेकर आ जाती है। कैथरीन X-24 के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन X-24 कैथरीन को भी मार देता है। लोगन और विल भी घर के बाहर आ गए थे। विल गोली की आवाज सुनकर घर के अंदर आता है तो X-24 उसको भी अपनी ब्लेड्स से घायल कर देता है। लोगन भी अंदर आता है जहाँ उसे X-24 मिलता है, लेकिन लोगन X-24 से लड़ने के बजाय उसे जाने देता है और पहले चार्ल्स के पास जाता है। चार्ल्स अभी जिंदा था। लोगन चार्ल्स को उठाकर अपनी कार में लेकर आ जाता है। X-24 लोरा को लेकर डॉक्टर राइस के ट्रक की ओर जा रहा था। तभी वहाँ केनवुड कंपनी के लोग विल से बदला लेने के लिए आ जाते हैं। वो X-24 को लोगन समझकर उसके ऊपर गोली चला देते हैं। अब X-24 उन सभी लोगों को मारने लग जाता है। अब चार्ल्स भी मर गया था। डॉक्टर राइस X-24 को रोकने के लिए बाहर आ गया था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था और केनवुड कंपनी के लोगों को मार रहा था। अब डोनाल्ड भी ट्रक से बाहर निकलने लगता है। तभी केलीबेन को पास में ग्रेनेड पड़े मिल जाते हैं और वो डोनाल्ड को रोकने के लिए ग्रेनेड्स की पिंस खोलकर डोनाल्ड के पास फेंक देता है। डोनाल्ड ग्रेनेड से बचने के लिए ट्रक से बाहर कूदता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। ग्रेनेड से केलीबेन मर जाता है। X-24 ने सभी लोगों को मार दिया था और अब वो लोरा के पास आ रहा था। तभी लोगन उसके ऊपर अटैक कर देता है। लोगन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मरता और लोगन को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। वो लोगन को मारता ही जा रहा था, तभी विल अपनी कार से उसे टक्कर मारता है और उसे एक मशीन और अपनी कार के बीच दबा देता है। विल कार से उतरकर X-24 पर गोलियां चलाता है और फिर लोगन को भी मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गई थी। अब विल नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल था। लोगन लोरा को गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन डॉक्टर राइस कार के बीच से X-24 को निकालता है और उसे एक बूस्टर इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। लोगन कार चलाकर बहुत दूर आ गया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल था। वो जंगल में एक तालाब के किनारे चार्ल्स की बॉडी को दफना देता है। लोगन चार्ल्स की मौत से बहुत दुखी था। लोरा लोगन का हाथ पकड़ती है, लेकिन लोगन उसका हाथ छुड़ा देता है और उसे वहीं छोड़कर वहां से जाने लगता है। वो कार में बैठकर उसे स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। लोगन को बहुत गुस्सा आता है और वो पावड़े से कार को तोड़ने लगता है और फिर बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक क्लिनिक में था। लोरा किसी की कार चुरा कर लोगन को क्लिनिक में लेकर आ गई थी। डॉक्टर लोगन से कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल में चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन लोगन वहां से बाहर आ जाता है और डॉक्टर को अपनी जान की चिंता करने के लिए कहता है। लोगन लोरा के साथ क्लिनिक से बाहर आ गया था। लोरा लोगन को कार की चाबी देती है। लोगन लोरा को थैंक यू कहता है क्योंकि लोरा उसे क्लिनिक में लेकर आई थी। लोरा पहली बार लोगन से बात करती है। लोगन अभी तक समझ रहा था कि लोरा गूंगी है, इसीलिए वो उसके ऊपर चिल्लाता है। लोरा लोगन को अपने दोस्तों के नाम बताती है और कहती है कि वो सभी नॉर्थ डकोटा में है, लेकिन लोगन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो लोरा को वहां लेकर जाने से मना कर देता है। लोरा को गुस्सा आता है और वो लोगन को मारने लगती है और अपने दोस्तों के नाम लेकर वहां से जाने की जिद करने लगती है। लोगन भी गुस्से में आकर उसे वहां लेकर जाने के लिए मान जाता है और लोरा से कहता है कि मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा, तुम खुद ही वहां जाकर देख लेना। अब वो नॉर्थ डकोटा के लिए निकल जाते हैं। अब हम डोनाल्ड को देखते हैं, जिसे एविडेंस में एक फोटो मिलता है जिसमें नॉर्थ डकोटा का एड्रेस लिखा हुआ था। डोनाल्ड समझ जाता है कि लोरा वहीं जा रही है। लोगन की हालत बहुत खराब थी, वो
घायल था और उसे नींद भी आ रही थी। लोरा उससे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन वो लोरा की नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद ही लोगन को कार चलाते हुए नींद आ जाती है। लोरा कार को रुका देती है और लोगन को आराम करने के लिए कहती है। लोगन कार में सो जाता है। अब लोरा ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को चलाने लगती है। जब लोगन की नींद खुलती है तो कार रुकी हुई थी। वो बाहर निकलकर देखता है कि लोरा एक माउंटेन पर चढ़ रही है। लोरा उसे भी ऊपर आने के लिए कहती है। माउंटेन के ऊपर एक झोपड़ी थी जिसमें कुछ बच्चे भी थे, लेकिन लोगन बहुत ज्यादा घायल था और फिर से बेहोश हो गया था। वो बच्चे लोगन को रस्सी से बांधकर ऊपर खींच लेते हैं। लोगन उन सभी बच्चों को देखता है और फिर बेहोश हो जाता है। ये सभी बच्चे म्यूटेंट थे जो ट्रांसजेन कंपनी से भागकर यहाँ आए थे। बच्चे लोगन को एक बूस्टर दवाई का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक होने लगता है। वो दो दिनों तक सोया रहता है। बीच में उसे होश आ जाता है तो उसे लोरा दिखती है जो पास में ही बैठी थी और लोगन को देख रही थी। लोरा लोगन के पास आकर उसे एक बुलेट दिखाती है जो उसे लोगन के पास से मिली थी। लोगन उसे बताता है कि एडमेंटियम की बुलेट है, ये हमें मार सकती है क्योंकि हमारे अंदर भी एडमेंटियम ही है। मैं इस बुलेट से खुद को खत्म कर देना चाहता था लेकिन मैं खुद को नहीं मार सका। लोगन फिर से बेहोश हो जाता है। लोरा उस बुलेट को अपने पास रख लेती है। जब लोगन की नींद खुलती है तब बच्चों ने उसकी दाढ़ी काट दी थी और सभी उसका चेहरा देखकर हंस रहे थे। लोगन बच्चों को डांटता है और फिर बाहर आ जाता है। लोगन रिएक्टर से कहता है कि तुम सभी को इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो वो लोग तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे। रिएक्टर लोगन से कहता है कि हम सभी कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे और बॉर्डर पार करके कनाडा चले जाएंगे। रिएक्टर रेडियो पर किसी से बात करता है। रेडियो वाली औरत रिएक्टर को बताती है कि कल दिन में 12 बजे से 5 बजे के बीच तुम्हें कोई सैटेलाइट नहीं देख सकेगी, तुम उसी वक्त बॉर्डर पार करना। इसके बाद रिएक्टर लोरा को कैंप तक लाने के लिए लोगन को पैसे देता है, लेकिन लोगन पैसे लेने से मना कर देता है। अगले दिन लोगन जागता है तो उसे टेबल पर बूस्टर का एक इंजेक्शन रखा मिलता है जो रिएक्टर उसके लिए रखकर गया था। रिएक्टर सभी बच्चों को लेकर जंगल के रास्ते बॉर्डर पार करने के लिए निकल गया था। लोगन बाहर आकर देखता है तो उसे आसमान में ड्रोन्स दिखते हैं। वो समझ जाता है कि डोनाल्ड और डॉक्टर राइस बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गए हैं। वो जंगल की तरफ गाड़ियां भी जाते हुए देखता है। अब लोगन भी बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। लोगन जंगल में भागकर बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाता है। उसके अंदर बहुत कम ताकत बची थी, इसलिए वो बूस्टर का इंजेक्शन लगा लेता है जिससे उसकी पावर्स पहले जितनी बढ़ जाती है। सभी बच्चे कंपनी के सोल्जर से बचकर भाग रहे थे। सोल्जर्स एक एक करके बच्चों को पकड़ते हैं। तभी पीछे से लोगन आ जाता है और सभी को मारने लग जाता है। डोनाल्ड को लोगन का बैग मिलता है। वो इंजेक्शन देकर समझ जाता है कि लोगन की पावर्स बढ़ी हुई है। अब डोनाल्ड रिएक्टर पर गोली चलाता है। रिएक्टर के कंधे पर गोली लग जाती है। डोनाल्ड रिएक्टर को पकड़ लेता है। अब लोरा को बहुत सारे सोल्जर्स ने घेर लिया था। तभी पीछे से लोगन आ जाता है। लोरा और लोगन मिलकर सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। लोगन को बहुत सारी गोलियां लग गई थी और दवाई का असर भी खत्म हो गया था, इसीलिए अब उसके घाव नहीं भर रहे थे। लोगन एक सोल्जर से उसकी गन ले लेता है। सोल्जर्स ने सभी बच्चों को पकड़ लिया था। लोगन लोरा को उसके फ्रेंड्स के पास जाकर उनकी हथकड़ियां खोलने के लिए कहता है और खुद डोनाल्ड के सामने चला जाता है। वहाँ डॉक्टर राइस उसे कहता है कि मेरा नाम जेंडर राइस है, तुम मेरे पिता से वेपन एक्स प्रोजेक्ट के वक्त मिले होंगे। लोगन कहता है कि तेरा ही बाप वो कमीना था जिसने मेरे अंदर एडमेंटियम डाला था। डोनाल्ड लोगन से कहता है कि डॉक्टर राइस ही वो आदमी है जिन्होंने पूरी दुनिया से म्यूटेंट की जाति को ही खत्म कर दिया। डॉक्टर राइस कहता है कि मैं तो बस म्यूटेंट्स को काबू में रखना चाहता था, मैंने तो बस हर इंसान के खाने तक जीन थेरेपी को पहुंचाया था जिससे म्यूटेंट्स पोलियो की तरह खत्म हो गए, लेकिन हम नहीं रुके और हमने खुद के म्यूटेंट्स बना दिए। डॉक्टर राइस लोगन से बातें कर रहा था तभी लोगन गन निकाल कर डॉक्टर राइस को मार देता है और डोनाल्ड पर भी गोली चलाता है, लेकिन डोनाल्ड बच जाता है और गोली उसके हाथ पर लग जाती है। डोनाल्ड वहाँ से भागकर पीछे खड़े ट्रक के पास जाता है और उसका गेट खोल देता है जिसके अंदर X-24 था। X-24 बाहर आते ही लोगन पर अटैक कर देता है। सभी सोल्जर्स भी लोगन के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन तभी लोरा सोल्जर्स पर अटैक कर देती है और अपने फ्रेंड्स को फ्री कर देती है। लोगन X-24 से नहीं लड़ पा रहा था क्योंकि लोगन बहुत घायल हो चुका था और दवाई
का असर भी खत्म हो गया था। लोगन को आरता देखकर लोरा X-24 पर अटैक करती है। लोगन भी लोरा को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी डोनाल्ड लोगन के पैर पर हार्पून चला देता है और उसे ट्रक से बांध देता है। तभी सभी बच्चे वहां आकर डोनाल्ड को अपने पार से पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन X-24 बहुत पावरफुल था, लोरा उसे नहीं हरा पा रही थी। अब रिएक्टर अपनी पावर से एक आर्मी ट्रक को उठाकर X-24 पर गिरा देता है। लोगन सभी बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी X-24 ट्रक के नीचे से निकल जाता है और लोगन को मारने लगता है। वो लोगन को खींचकर एक पेड़ के ऊपर फेंक देता है। पेड़ की जड़ें लोगन के पेट में घुस जाती है, जिससे लोगन वहीं फंस जाता है। अब X-24 लोगन के ऊपर अटैक कर रहा था, तभी लोरा एडमेंटियम बुलेट को गन में लोड करती है और X-24 के सर पर गोली मार देती है, जिससे X-24 मर जाता है। लोरा लोगन के पेट में लगी जड़ को काटती है और लोगन को पेड़ से अलग करती है। लोगन अब मर रहा था, लोरा उसे देखकर रोने लगती है। लोगन लोरा को अपने फ्रेंड्स के साथ भागने के लिए कहता है। लोगन अब मर गया था और लोरा उसके पास बैठकर रो रही थी, तभी उसके फ्रेंड्स भी वहां जाते हैं। इसके बाद सभी बच्चे लोगन को दफन करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ लोगन और लोगन की कहानी यही खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।